फाइनली हम पहुंच चुके हैं लगेज बेल्ट पे और अब हम कलेक्ट करेंगे अपना लगेज और उसके बाद जाएंगे घर क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रचना पैराडाइज। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो ये है मेरा हैदराबाद टू लखनऊ सीरीज़ कह सकते हैं आप, उसका लास्ट पार्ट और काफ़ी पार्ट्स हो गए एंड ये पार्ट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो मेरे संग आप भी इसको यू नो बेयर कर लीजिएगा। आपने देखा और सुना कि कैप्टन ने अनाउंस कर दिया है कि बस हम लैंडिंग हम करने ही वाले हैं लखनऊ में, मतलब लखनऊ के पास आ चुके हैं और देख सकते हैं अब थोड़ा थोड़ा सा सिटी दिखने भी लगा है, जो कि मैं आपको पहले बता रही थी बट शायद आपको वॉइस क्लियर नहीं आई होगी तो इसलिए सोचा कि मैं बता रही थी। एंड टाइम आई थिंक 8 बजे का टाइम था तो बाहर काफ़ी अंधेरा, मतलब आसमान में तो जितना आपको विजिबल दिख रहा है इतनी ही विजिबिलिटी थी बट और स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी प्लेन की तो वही है। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे देखना ऊपर से अपना शहर, या हैदराबाद भी अपना ही था। तो यहाँ पे आप देखिए प्लेन कितनी तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है एंड वो लाइट जो उसकी विंग्स की है ना ब्लिंक होती जा रही है। और जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियसली वीडियो में बताया था कि मोस्टली मुझे ना सीट विंग्स के पास ही मिलती है। पहली बार जब मैं गई थी 2011 में तो मेरी सीट थी 30 नंबर की बिल्कुल लास्ट, तो मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो फर्स्ट टाइम मतलब मैं जा रही थी तो प्लेन एकदम से ना जब ऊपर जाता है तो आप बिल्कुल पीछे हो जाते हो। सो एनीवे वो तो पास्ट की स्टोरी हो गई। तो बताइए आप लोगों को ऊपर से लखनऊ देखने में कैसा लग रहा है, जो लखनऊ वासी हैं वो भी बताएं और जो लखनऊ कभी आए नहीं हैं आना चाहते हैं जो भी है सब लोग बताएं। मुझे तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और शाम के समय ये जो व्यू रहता है ये एक आई कैचिंग कह सकते हैं इसको। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये जैसे मैंने टेक ऑफ का शूट किया है पूरा, वैसे ही मैं पूरा लैंडिंग का भी शूट करूँगी। तो ये जो वीडियो है अनाउंसमेंट से लेकर इनफैक्ट थोड़ा उसके पहले से भी लेकर लैंडिंग तक रनवे पर उतरने तक मैंने पूरा एक मतलब एक ही इसमें कैप्चर किया है। तो मेरा हाथ काफ़ी ज़्यादा दर्द करने लगा था क्योंकि शायद काफ़ी लोगों को पता ही हो कि मेरा टेनिस एल्बो का जो प्रॉब्लम है तो इसीलिए। एंड बस खुशी हो रही थी कि फाइनली हमारी जो जर्नी है वो ख़त्म होने वाली है, पूरी होने वाली है और जिस मकसद से गए थे वो मकसद भी पूरा हो गया है। बट हाँ मैं हैदराबाद में घूम नहीं पाई, इंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा कम था, बहुत ज़्यादा कम था। सो धीरे धीरे हम पास आते जा रहे हैं और वो देखिए चंदा मामा भी दिख रहे हैं आपको, लखनऊ और चंदा मामा एक ही फ्रेम में दिख रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस खूबसूरत दृश्य के बारे में, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तभी भी लग रहा था और अभी भी लग रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। एंड ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बीच में फेस्टिवल आ गए थे तो सोचा पहले फेस्टिवल कर दूँ। और इस बार मैंने काफ़ी अच्छे से रिकॉर्डिंग की थी तो बहुत सारी क्लिप्स थी मेरे पास तो उसमें से मुझे ट्रिम करना उसको एडिट करना तो उसमें भी मुझे काफ़ी दिक्कत हो गई। एंड बीच में जो काम आते गए ओकेजन तो उनको तो तुरंत तुरंत करना ही था तो उसके लिए कान पकड़ के सॉरी। बट ये खूबसूरत दृश्य देखकर आप मुझे माफ़ कर ही देंगे, मुझे पक्का यकीन है। सो धीरे धीरे हम करीब जा रहे हैं जैसे कि आप देख ही सकते हैं और सुंदरता जो है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि लाइट्स है ना, तो जब अंधेरे में लाइट जलती हैं या दिखती हैं तो खूबसूरत तो लगता ही है। तो आप देखिए और जो बिल्डिंग्स या जो भी घर कुछ भी जो इमारतें हैं सब पहले दूर दूर से ऐसे ना माचिस के डब्बों जैसे दिख रही थी वो अब थोड़ी सी अच्छे से दिखने लगी हैं। एंड साथ में हमारे हैं चंदा मामा, चांद को भी लोग ना कितने सारे नाम हैं। तो बस अभी चलेंगे हम पहुँचेंगे और उसके बाद देखेंगे कैसा क्या है क्योंकि अभी तो शाम हो गई है तो कैब वगैरह बुक करना है कैसा क्या है वो सब भी देखना है अभी। और सच बताऊँ तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि मैंने बताया ही आपको अपने पहले की वीडियो में कि तबीयत ख़राब थी तो हम लोग सोचते हैं बस एक डोसा इडली और इडली खाया था
उसके बाद चाय दो तीन बिस्किट और कुछ खा नहीं पाए थे, तो काफ़ी ज़्यादा फीलिंग हंगरी। तो चलिए आप इस पूरे दृश्य को आप अच्छे से म्यूज़िक के साथ इंजॉय कीजिए, फिर मैं आपसे लैंड करने के बाद बात करती हूँ, ठीक है? मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी आपको। और thank you.
तो यहाँ पर आप मेरी हालत देख सकते हैं। तो आज यू नो मैंने बहुत ट्रैवल किया है, एयर ट्रैवल मतलब फ़्लाइट से काफ़ी बार आई गई हूँ मैं, बट ये पहली बार था कि लैंडिंग के टाइम यू नो मेरे कानों में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा, मेरे और इनफैक्ट बॉबी के भी, जैसे लगा कि कान में पता नहीं क्या हो रहा है और इतना ज़्यादा हेडेक होने लगा, बिल्कुल कान सुन जैसे पड़ गए थे, अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। तो फिर एयर होस्टेस ने हमें गर्म पानी दिया तो थोड़ा सा उससे हमें आराम हुआ था। तो जो भी फॉर्मेलिटीज थी ग्राउंड वाली वो सब पूरी हो चुकी हैं और बस अब सब लोग निकल रहे हैं। तो पहले से ये लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, शायद जल्दी रहती होगी या क्या है। तो मैंने बॉबी ने सोचा कि थोड़ा सा भीड़ कम हो फिर हम निकलेंगे, ऐसे बहुत ही अनकंफर्टेबल सा हो जाता है कि लोग निकल रहे हैं और आप भी खड़े हो बीच में। तो वही हम वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा ये लोग निकल जाएँ फिर हम निकलेंगे और उसके बाद सामान कलेक्ट करेंगे और फिर चलेंगे घर की तरफ। तो बस फाइनली निकल रहे हैं हम लोग भी। तो आपको पता है मैंने इतनी बार ट्रैवल किया बट एक बार मैं फ़ोटो नहीं क्लिक करवा पाई यहाँ पर, क्योंकि हमेशा मोस्टली मैं अकेले ही करती थी, सिर्फ एक बार बॉबी, दूसरी बार बॉबी है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि लोगों की देखती थी ना तो मैं भी प्लेन रुका है और मैं इसके सामने फ़ोटो खिंचवाऊँ, बट वो इस बार भी हो नहीं पाया, होते होते रह गया। इस बार तो बॉबी साथ में था बट सामने देखा बस खड़ी, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, रोडे रहने दो फोटो। बट मेरा मन ज़रूर था और शायद मैं एक दिन ज़रूर एक फ़ोटो क्लिक करवाऊँगी और आपको देखने को मिलेगी। तो अच्छा लगता है ना, ये सब यादें बन जाती हैं एंड यादें तो बहुत ही अनमोल होती हैं। बस हम आ गए हैं बस में और जा रहे हैं अंदर, सामान कलेक्ट करेंगे, उसके बाद बाहर निकल के देखेंगे कि कैब क्या है, कैब टैक्सी या कैसा क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से ही। एंड काफ़ी सारे प्लेस दिख ही रहे हैं आपको क्योंकि रनवे है मतलब, तो प्लेस तो रहेंगे ही, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखना। आई गेस बच्चे हो या बड़े सभी को पसंद आता है देखना, मुझे भी अच्छा लगता है, बचपन में कुछ ज़्यादा अच्छा लगता था, अभी ये होता है कि हाँ आप यूज़ टू हो जाते हो। सो वही है एंड हमेशा मैं सोचती हूँ कि मैं यू नो एक सामान नहीं दूंगी मतलब चेक इन में, तो मुझे सामान लेने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, वो टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि यू नो वेट करो अपने सामान का। बट हो ही जाता है यार, कहीं भी जाओगे एक दो दिन के लिए भी जाओ तो कुछ तो सामान रहता ही है। एंड अब हमारे हैंड बैग या यू नो शोल्डर बैग भी इतना नहीं आ पाता है, सो इसीलिए वो हर बार मेरा सामान आ ही जाता है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं टर्मिनल 2 पे और बस अब अंदर एंट्री करेंगे। एंड काफ़ी एक्साइटेड एक्साइटमेंट वाली जर्नी रही है, तबीयत भी ख़राब रही, घूमे भी थोड़ा सा, जो सोचा था उतना नहीं हो पाया, बट लाइफ है तो चलता रहता है, जो सोचते हैं वो होता कहाँ है। तब हम जा रहे हैं अपनी यू नो लगेज बेल्ट की तरफ और हमारी लगेज बेल्ट नंबर हमारा 2 है, 2 पे आएगा हमारा सामान। तो बस हम जा रहे हैं वहाँ पे और उसके बाद सामान कलेक्ट कर लेंगे। और तो बताइएगा आप लोग में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको मेरी तरह ये ना लगेज कलेक्ट करना बोर लगता है और वो सोचते हैं कि वो लगेज बेल्ट वाला सिस्टम ही ना रखे अपने साथ, बट हो नहीं पाता है, ये भी बात सच है। तो बस फाइनली लगेज बेल्ट स्टार्ट हो चुकी है, ग्राउंड फोर्स से हमारा सामान ला दिया है, तो धीरे धीरे एक आएगा जिसका जो सामान है वो लेता जाएगा। तो हमने भी ट्रॉली ले ली थी क्योंकि 2 बैग तो है ही, जैसे कि आपने पहले वाले वीडियो में देखा होगा जब हम लोग आए थे एयरपोर्ट में। सो ट्रॉली लेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। तो उसके बाद और घर पे भी मैंने बता तो दिया था बट मैंने मना कर दिया था कि कोई हमें लेने मत आ क्योंकि हम 2 लोग थे, तो वी कैन मैनेज इसीलिए। हाँ थोड़ा रात हो रही थी बट अपने सिटी में हैं तो इतना कुछ वो नहीं है, और इतनी भी रात नहीं हुई थी जहाँ तक मुझे याद है, 8:30 ही बजा होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा व्यू आपको लखनऊ एयरपोर्ट का भी दिखा दिया है और अच्छा लगता है जब अपनी चीज़ें ऐसे देखो हमेशा के लिए कि ना यादें आपकी मतलब क्या कहेंगे लॉक हो जाती हैं। सो बस बॉबी आगे गया है बैग के लिए, मैं ट्रॉली लेकर वेट कर रही हूँ, साथ ही साथ कैप्चर भी कर रही हूँ। तो चलिए लगेज ले लेते हैं, उसके बाद फिर बाहर चल के देखते हैं कैसा क्या है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा थकी हुई और मेरे अचानक से पता नहीं क्या हुआ है, कान में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो देखते हैं कैसा क्या है। एंड वे टाए तो बहुत प्रॉब्लम है, बस कैब बुक की है, कैब आने वाली है और बड़ा कान में भी बहुत दर्द हो रहा है। तो सर से बात कर रही है, कल कभी पता नहीं कैसा क्या। तो बस इसके बाद हम बस कैब का वेट ही कर रहे थे और हमने करीब 2 कैब बुक की, वो कैंसिल हो गई फॉर सम रीजंस, तो उसका पेनाल्टी भी हमें भरना पड़ा। तो फाइनली हमने 3rd कैब बुक की तो वो हमें मिल गई और इसकी वजह से हमें कम से कम 25 से 30 मिनट मतलब हाफ आवर करीब यहाँ बैठना पड़ा। सो थोड़ा सा लेट हो गया इसी वजह से और परेशान हो रहा था ये क्या करें क्या नहीं करें, इतना लंबा सफ़र कर लिया, इतने दूर शहर से आ गए, अपने ही शहर में अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो खैर फाइनली 3rd इज़ लकी फॉर अस, सो मिल गई थी और काफ़ी अच्छे थे कैब वाले भैया भी। सो ये सामने मेट्रो स्टेशन देख सकते हैं आप, एयरपोर्ट का है, तो कभी लखनऊ मेट्रो भी घुमाऊँगी आपको मैं, अभी तो मैं खुद भी नहीं घूमी हूँ, तो हम दोनों साथ साथ घूमेंगे, मतलब हम सब साथ साथ घूमेंगे। सो बस एयरपोर्ट से निकल रहे हैं और वो जो कैब वाले भैया थे काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी बातें हम लोग कर रहे थे इसलिए मुझे आवाज़ यू नो म्यूट कर देनी पड़ी एंड अच्छा लगा। तो लगा शायद कि इसीलिए बाकी तो कैंसिल हुई क्योंकि इन भैया के साथ जाना था हमें, तो काफ़ी सारी बातें कर रहे थे हम लोग और अच्छा लग रहा था। तो अभी तो हम एयरपोर्ट प्रीमिसेस में ही हैं, बस यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद आ जाएगी मेन रोड। तो जैसे कि मैंने आपको शहीद पथ दिखाया है और अपनी वीडियो में बताया भी होगा कि जो डायरेक्ट शहीद पथ है उसके बाद बस सिर्फ 2 किलोमीटर एक टर्न लेकर एयरपोर्ट आता है, तो शायद उसी रास्ते से हम जाएंगे, आई एम नॉट श्योर अभी। हाँ तो लगभग उसी रास्ते से जाएंगे और जो आलमबाग का आगे मोड़ आएगा वहाँ से हम लोग मुड़ जाते हैं। तो शहीद पथ के आसपास ही मेरा घर है, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं आपको काफ़ी बार अपने वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। एंड कुछ कुछ चीज़ें मैंने कैप्चर की, जैसे ये पार्क है, एक नाम तो मुझे याद नहीं, काफ़ी अच्छा है ये, सो चलो आपको दिखा देती हूँ। और बस जो रात को शहीद पथ पर ये लाइट्स जलती है ना, जो भी है जो रैप ऐसे की गई हैं ट्विस्ट करके, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने बाइक से भी आपको दिखाया है गेस, तो सोचा चलो थोड़ा थोड़ा क्लिप ले लेती हूँ मैं। एंड थक तो बहुत ज़्यादा गए थे और डायरेक्टली फिर मैं पापा के घर ही गई थी, हमने यही डिसाइड किया क्योंकि दीदी भी बोली यहीं आ जाओ, एंड खाना तो दोनों जगह था बट पापा के घर गए, उसके बाद फिर मैं 1 घंटा रुक के अपने घर चली गई थी। तो ये वीडियो जैसे कि मैंने आपको बोला था काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो बट पूरा देखिएगा ज़रूर अच्छा लगेगा, आपको बोर नहीं होंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और स्टे कनेक्टेड विद दशना पैराडाइज। और जो भी लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक शेयर दिस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और इतना तो भरोसा दिलाती हूँ कि मेरे वीडियोस देख के आप बोर नहीं होंगे, काफ़ी सारी वैरायटी के वीडियोस हैं, तो जो भी आपका इंटरेस्ट है वो आप देख सकते हैं, ट्रैवल है, रेसिपी है, शॉपिंग है, रिव्यूज़ हैं, यू नो डेली सिंपल व्लॉग्स हैं, मतलब जो डेली के घर के होते हैं। सो बस फाइनली मेरा अभी घर आने वाला है, शहीद पथ देख सकते हैं आप कि शहीद पथ आ चुका है। तो अब मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मुझसे जुड़े रहिए। Take care, bye bye, and ha, thanks for watching.